अस्सलामुअलैकुम। आज हम न्यू बॉर्न बेबी का कैप बनानी चाह रहे हैं, तो इसकी मेजरमेंट मैं बता देती हूँ आप सबको। इसकी चौड़ाई मैंने 16 इंच ली हूँ और लंबाई भी मैंने 16 इंच ही ली हूँ। ये देखो, इस तरह फोल्ड करेंगे, फर्स्ट फोल्ड, ये सेकंड, क्रॉस में हम 7 इंच लेंगे। इस तरह निशान लगा देंगे, इस तरह कटिंग कर देंगे। ये देखो हम कट कर लिए। अब सेम इसी मेजरमेंट से हम दूसरा पीस कट करेंगे। ये देखो, ये हमने कट कर लिए। ये इस तरह रखेंगे, इसके ऊपर ये रखेंगे, ये हमारा मिड पॉइंट है। हम 5 निशान पे अपनी गोलाई का निशान लगा देंगे, पूरा राउंड कर देंगे 5 इंच पे। ये देखो, ये दो तरह से निशान लगा देंगे। अब हम सब सिलाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये दोनों लाइन छोड़ देंगे, यहाँ हम इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इलास्टिक कितना ली हूँ। 13 इंच मैंने इलास्टिक ली हूँ। ये देखो, सेफ्टी पिन की मदद से मैं इसमें इलास्टिक डाल दी हूँ। ये देखो, अब इसको स्टिचिंग करेंगे, फिर हमारा जो निशान अधूरा रह गया है उसे हम कंप्लीट कर देंगे। ये देखो, ये मैंने 4 इंच की पट्टी ली हूँ, ये मैंने डबल फोल्ड की हूँ। अब ये हमारा कैप का जो नीचे का हिस्सा लेंगे, इसे इस तरह रखेंगे, और ये जितने हैं मैंने लंबाई ज़्यादा ली हूँ, इसकी प्लेटें छोटे छोटे डालकर ऐसे इस पर इस तरह सिलाई करेंगे। इस तरह पूरी पूरी कैप की कॉर्नर पे हम इस तरह अपनी प्लेटें लगा के कंप्लीट करेंगे। ये देखो, हमारी चारों तरफ ये स्टिचिंग हो गई है प्लेट्स का। अब हम इसे फोल्ड करके टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखो, इस तरह का हमारा लुक आया। अब इसे और शो बनाने के लिए मैं यहाँ एक फूल अटैच कर रही हूँ। ये देखो, हमारा कैप बनके रेडी हो गया।